आज हमारा घर टिकना है, टिक के आ गए हैं। अभी दिखा रहे हैं और सारा काम जो हो रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये सब उनका चूल्हा बन रहा है। दादी माँ बना रही हैं चूल्हा। देख लो दादी माँ चूल्हा बना रही हैं, ये शगुन का चूल्हा है। इस पे जिस दिन हल्दी पूजा रहेगा उस दिन इस पे रोटी बनाया जाएगा ना भाई ना, रोटी बने पे ना, इस पे लावा पूजा है। देख लो दोस्तों, दादी माँ कैसे बना रही हैं चूल्हा। हमारे बस की तो बात है नहीं, हम भी बनाएंगे अभी। दादी माँ हम बनाई चूल्हिया छोट के बनाई थी, खाली रोटी वोटी बना रही थी। बहुत दूर से रोटी बनेगा, इसके दाल चावल किस पे कौन कौन चीज बनेगा यार। ये आनी पानी वाला चूल्हा है, ये जब क्या बोलते हैं शादी होने के बाद इसको मतलब खोला जाएगा और इस पे तेल पूजा होगा। इस पे का जब अरे कल सवार सोन अच्छा हां 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 कल सवार गमो कहा जा रहे हैं, कल सवार तो भैया करे जब रहे तो काम हुए और पांच से जरूरी है ये जाना फालतू है। हां हां पांच बन गया। अरे यहां आज हो गया टिकना, दो तीन दिन संगीत होगा, उसके बाद तेल पूजा होगा, उसके बाद ठाकुर बाबा का पूजा होगा, उसके बाद शादी होगी। तो आप सब लोग शादी तक बने रहिए। चूल बनवाना जानी नानी बस, अगर एक अयला वाला बना ली देख लो, ये दादी माँ को दिया जा रहा है शगुन में। गेहूँ दिया गया है और इसमें पैसे गिनती करके नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग बोलोगे कम दे रही हो। देख लो हमारी नानी आई है। हमारी सासू मम्मी की मम्मी जी हैं और हमारी नानी है, इनके साथ हम वीडियो बना रहे हैं, आप सब लोग भी देख लीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग हमारे फेस पे कितना सिंदूर लगा हुआ है, सब लोग मिलके हमारे चेहरे पे सिंदूर लगा दिए क्योंकि यार टिकना था, टिकना में ये जो है ना उड़द चावल सब मिला के पछोरना बोलते हैं। अरे वही भैया तो देख सकते हैं गाइस, हम छत पे आए हैं घूमने और वीडियो बहुत दिन के बाद बना रहे हैं क्योंकि
क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, शादी में बहुत काम होता है, आप सब लोग समझ सकते हैं। तो आज से स्टार्टिंग चालू हो गया है, तो 25 तारीख तक रहेगा, नहीं 26 तारीख तक, 25-26 तारीख तक। सांस लेने को नहीं, सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम सही से सांस ले लें।